हेलो एंड वेलकम बैक आज की इस वीडियो में हम आई आई टी जे ट्वेंटी ट्वेंटी में पूछा गया एक बढ़िया सा क्वेश्चन था ठीक है uh, इसको सॉल्व करेंगे और हमारा जो अप्रोच रहेगा वो टोटली ग्राफिकल रहेगा ठीक है थीके? तो मैं इस फंक्शन uh, को ग्राफ करना सिखाऊंगा आपको एंड देन विल कम टू दिस ऑप्शंस ठीक है फिर हमने वन वन चेक करना है एन आउट वन वन चेक करना है इंटरवल्स में ठीक है तो लेट uh, स्टार्ट हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज़

synthetic डिवीजन ठीक है इसके और दो रूट हम निकालेंगे देखेंगे क्या आएंगे ठीक है x is one यूज uh, करने का तरीका यू राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज नेगेटिव नाइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज जीरो हियर और फिर कांस्टेंट वाली टर्म यहां पे ठीक है अब ये टू यहां पे सीधे टू इंटू वन करोगे तो यहाँ पे लिखोगे टू ऐड करोगे तो नेगेटिव सेवन सेवन इंट वन सेवन यहाँ पे ऐड करोगे तो नेगेटिव सेवन सेवन इंटू वन नेगेटिव सेवन तो जीरो तो हमारे पास रिड्यूस होके एक, एक, एक 2x2, -7x, -7, 0. अब हम इसके दो रूट्स निकालेंगे वो जो इस पॉलीनामिल क्यूबिक भी के वो दो रूट्स होंगे एक तो हमने निकाला दैट्स वन Now by uh, this um, quadratic formula, this is 7 plus or minus under root of b square, that is 49 minus 4, then a that is 2, and then negative 7 upon 2a, that is this. Okay, so yeah, this is 7 plus or minus under root of 49. Okay, this will become plus 56. अफान फोर ओके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज सेवन प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ वन ऑफ फाइव अफान फोर अब मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इसको हंड्रेड ले रहा हूँ क्योंकि हमने ग्राफ करना है ठीक है तो हम वो चीज़ कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन इसके लेके तो आपके पास आएगा सेवन प्लस और माइनस रूट ऑफ दिस बी टेन आपके पास आएगा

और हमने इसका अप्रोक्सीटली ये ये जो एक्स का वैल्यू आएगा इससे छोटा है ठीक है वो ग्राफ करते मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास अब तीन रूट्स आ गए यहाँ से आप इसका डेरेवेटिव निकालोगे कितना माइनस एटीन यहाँ से आप इसको इक्वेट जीरो के करोगे एफ डिश ऑफ एक्स आपके पास स्टेशनरी पॉइंट्स आएंगे सो सिक्स एक्स स्क्र माइनस एटीन एक्स ज़ीरो तो सिक्स एक्स को कॉमन निकाल के यहाँ पे एक्स माइनस थ्री बटेगा दैट इज़ ज़ीरो जीरो के इक्वल होता नहीं इसका मतलब है ज़ीरो और थ्री तो ये डेरिवेटिव के ये आ गए ठीक है अब यहाँ से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करो एफ डिश ऑफ एक्स F double dash of x that will be 12x minus 18. Now f double dash of zero that is minus eighteen, which is less than zero. So x equal to zero is point of maximum take it. Okay, f double dash of three. Eight points we have calculated, and that is 12 into 3.

ठीक है तो ठीक है ये हमारा जीरो ये वन, ये ये थ्री बोलो हाफ, और ये इसको बोलो फोर ठीक है ये यहाँ पे नेगेटिव वन नेगेटिव टू ठीक है ऐसे करके अब यहाँ पे वन टू ऐसे ऐसे चले ठीक है? है अब हमने जो जीरो कैलकुलेट किया वो यहाँ पे

ये जीरो देखा दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ठीक है अगर आप एफ ऑफ जीरो कैलकुलेट करोगे तो एफ ऑफ जीरो पे कितना वैल्यू आएगा मैक्सिमम वैल्यू वो आएगा जीरो माइनस जीरो प्लस सेवन तो एफ ऑफ जीरो पे सेवन ठीक है तो यहां मान लो कि ए ठीक है तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो ऐसे कुछ आएगा ठीक है और फिर यहाँ से होते हुए ये ठीक है अब हमने किस में चेक करता है थ्री पे और थ्री, थ्री हमारा पॉइंट है ये तो एफ ऑफ थ्री अगर आप चेक करोगे ठीक है सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ थ्री दैट विल कम आउट विथ टू थ्री क्यू नाइन थ्री स्क्वायर प्लस सेवन सो इट इज टू एंड देन इट इज ट्वेंटी सेवन minus 9 into 9 plus 7 so it is 54 negative 81 plus 7 so how much is this 61 minus 81 that is how much negative 20 so the function graph it will go down negative 20 units okay it will go like this पे ये। ठीक है एंड दिस पॉइंट कार्ड ये किसके में आएगा इट विल कम आउट आउटी एक्स इज थ्री ठीक है एक्स गोल्ड थ्री के कारण ये मिनिमम वैल्यू आएगा इसका अब हम इसके ऑप्शन पे आ रहे हैं ठीक है अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा बना गो लाइक दिस ठीक है दैट विल एडजस्ट अब हमने नेगेटिव वन से वन तक देखना है दैट इज दिस दिस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक तो हमारा ग्राफ ये रहेगा ठीक है तो ये बोल रहा है क्या एफ वन वन है इस वाले इंटरवल में आपको वो लाइन टेस्ट लगाना है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट वो हमें बोलता है एफ फंक्शन इज वन वन इफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन एवरी लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द कर्व एट मोस्ट एट वन पॉइंट एक से ज्यादा नहीं अगर काटे भी ना लेकिन अगर काट जब काटने पर आए तो खाली एक पॉइंट

In between two and four, more than ठीक है। तो इससे ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट ठीक है फिर नेगेटिव से जीरो तक बोल रहा है कि अब नेगेटिव फोर कहीं यहाँ पे आएगा इट इज नेगेटिव फोर से ठीक है तो इसके कारस्पॉन्डिंग कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा ठीक है तो अब यहां से आपने लेनी है जीरो तक दैट इज दिस अगर आप यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन करोगे जहां पे भी वो कट करेगा तो बचा जीरो से फोर ये तो कारस्पॉन्डिंग टू तो ये पॉइंट कोई है ठीक है मान लो कि यहाँ तक अब हमारा करूँ जो है ना यहां से यहां तक रहेगा अब दे रहा है सो मेनी पॉइंट अगेन जहां पे आप देखोगे Uh, जो हॉरिजेंटल लाइन है वो कट कर रही है मोर देन वंस तो इस वाले इंटरवल जीरो तो फोर में ये वन वन नहीं है तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट होप यू हैव अंडरस्टूड दिस यहाँ पे असल में ग्राफिकल अप्रोच दिखाने का मतलब है कि उससे थोड़ा सा फील आ जाता है ठीक है इसीलिए ये थोड़ा सा लेंथ भी हुआ अदरवाइज uh, जब आपका होल्ड आ जाएगा ग्राफ पे ग्राफ बनाने पर मेरी मेरा भी ये उतना करेक्ट नहीं हुआ ठीक है बट यू विल ड्राइट नीटली एंड देन यू विल सी दैट uh this work like we have done uh, will be very uh, helpful and we uh, will enjoy doing it like this thank you